तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये कहते हैं एक मास है, एम रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, जस्ट इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। म्यू इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, देन मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। आई होप कि आपको ये फार्मूला ही याद होगा, आसान सवाल था। तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा होता है मैक्सिमम इंक्लिनेशन, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। तो टेन इनवर्स म्यू ये ऑप्शन सही है, नहीं तो आप निकाल सकते हो तो निकाल लो। देखो नहीं याद है तो नॉर्मल इधर गया और एम जी कॉस थीटा इसके अपोजिट जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे, और एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगा, एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे देखोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर, क्योंकि मैक्सिमम इंक्लिनेशन निकालना तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा मैक्सिमम। तो अब कौन किसको बैलेंस किया, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बैलेंस किया होगा एम जी साइन थीटा को, ठीक ना। ये तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन है और ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और यहाँ से म्यू की एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस थीटा, दैट इज यहाँ से एम जी साइन थीटा। तो अगर यहाँ देखोगे एम जी खत्म हो गए तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा यहाँ से आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। मतलब ये है अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसको याद कर लो तो बहुत अच्छी है। इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, आप पढ़े होंगे।